हाई अभिवन दिस इज अन वेलकम टू पी एच डी जॉब्स एंड एडमिशन सो आज के इस लेक्चर में हम अवदेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसर्च मेथोलॉजी के डिस्कस करने जा रहे हैं दोनों ही लैंग्वेज में हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश काफी सिंपल वे में वे में मैंने आपको सारा MC को सॉल्व करवा है तो जैसे कि मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहले ट्वेंटी सिक्स ऑफ फोकस ट्वेंटी ट्वेंटी टू को होने वाला था अब एग्जामिनेशन की डेट एक्सटेंड होकर आपकी सेवंथ ऑफ सप्टेम्बर को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो हो सकता है इन्होंने दो बार एग्जामिनेशन डेट को एक्सटेंड कर दिया तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन डेट और भी आगे एक्सटेंड हो तो जब भी कोई डेट एक्सटेंड होती है सो आई विल लेट यू नो सो यहाँ पर जिससे कि मैं आपको बता दू अवदेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें आपका पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए टोटल हंड्रेड एमसी जाता है मार्क्स ठीक तो है तो हंड्रेड एमसी ने फिफ्टी फिफ्टी डिवाइड कर रखा है यानी आपका जो पेपर होगा होगा वो मार्क्स का जिसमें आपको फिफ्टी एमसीक्यूज पूछे जाएगा जाएगा रिसर्च मेथेडोलॉजी से रिलेटेड ठीक है और रिमेनिंग फिफ्टी एमसीक्यूज आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछा जाएगा जिसमें यहाँ पर आपको मास्टर्स लेवल का स्टडी करना होता है सो एपीएस यानी अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है ये लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वहां से सिलेबस फॉलो करिए तो आर्ट के लिए

हंड्रेड परसेंट गारंटी वाला कोर्स है हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ हम यहाँ पर आपको बोलते हैं कि हमारे ही कंटेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां पर हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप पासिंग मार्क्स तक एग्जामिनेशन में स्कोर कर सको तो आपको जल्द से जल्द हमारे को परचेस करना है परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट करना है और आप हमारे ऐप के थ्रू ये जो ऐप है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखे तो आप जल्द से जल्द वहां से आप कोर्स को परचेस करिए आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए सो एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स मॉक टेस्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं और फिफ्टीन हंड्रेड प्लस एमसीक्यू रिविजन पीडीएफ ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर यह आपको एक ही जगह मिलेगा कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है किस तरीके से ये रीड करना है कितना कंटेंट आपको, हम आपको, 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 आपको पढ़ना है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है सो so, हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है कहा से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं ये सारी चीजें हमारे कोर्स में आपको बताते हैं सो so, हमारा ये जो कोर्स है हम आपको गारंटी के साथ जल्द के से, से तो जल्द जल को इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट करना है याद रखेगा नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो ऐप so, को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है सो एंड लेट्स बिगिन एमसीक्यूज तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर मैंने आपका जो स्केड्यूल फिर से रिवाइज जो है एपीएस यूनिवर्सिटी का अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के यानी आपकी जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड इन्होंने कुछ चेंजेस कर रखे हैं ये ये आपके ऑफ जुलाई को ही नोटिस आ चुकी है जिसमें इन्होंने बता रखा है कि आपकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन की यानी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी फिफ्थ ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू यानी आज ही आपकी लास्ट डेट है अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं कराया तो आप

फिर से आपका स्केड्यूल चेंज हुआ है आपको याद रखना है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आपके पास जिससे कि आपको याद रहे सो तो याद रखना है सेवेंथ ऑफ सितंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा सो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं सो लेट्स बिगिन विद्यूज पहला प्रश्न शोध परिकल्पना एक डैश है और रिसर्च अ इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि आपकी शोध परिकल्पना है क्या होती है मतलब आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है क्या आपकी शोध परिकल्पना एक सिद्धांत होती है या फिर एक संभावित प्रस्ताव होती है या नमूना होती है मतलब आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस क्या एक थ्योरी होती है क्या एक सेंटेडिव प्रपोजिशन होती है या फिर सैंपल होती है हमें यह पता लगाना है इस प्रश्न में तो याद रखिएगा आपकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है मतलब आपकी जो शोध परिकल्पना होती है ये एक संभावित प्रस्ताव होती है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेंटेटिव टेंटेटिव प्रपोजिशन क्या होता है जैसे मान लो एक शोध करता है और वो शोध कर रहा है सो so, उसने मान लिया टेंटेटिव का मतलब है टेम्प्री मतलब कुछ समय के लिए उस रिसर्चर ने मतलब उस शोधकर्ता ने मान लिया कि हो सकता है कि कोई प्लांट है उस प्लांट को रिसर्चर और शोध करता क्या कर रहे हैं उस प्लांट को वाटर दे रहे हैं सो so, हो सकता है इस पर्टिकुलर जो प्लांट है मतलब एक पौधा है अगर आप इसको ज्यादा वाटर दोगे मतलब ज्यादा पानी दोगे तो इस जो पौधा है उसकी जो ऊंचाई है उसकी लंबाई बढ़ते जाएगी ओके okay? सो so, ये हो गया आपका एक टेंटेटिव प्रपोजिशन मतलब संभावित प्रस्ताव तो यहाँ पर जो शोध करता है उन्होंने अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस में टेंटेटिव प्रपोजिशन दे दिया मतलब एक संभावित प्रस्ताव दे दिया कुछ समय के लिए मान लिया कि हो सकता है एक पौधा है उसको अगर हम ज्यादा पानी दे तो उस पौधे की हो सकता है ग्रोथ भी ज्यादा हो उस पौधे की हो सकता है लंबाई भी बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं ये एक आपकी संभावित प्रस्ताव है सो तो इसी संभावित प्रस्ताव को जो शोध करता है अपनी रिसर्च में टेस्ट करते है ये देखने के लिए कि ये सही है या फिर गलत है उनका जो अनुमान है उन्होंने जो करा है वो सही करा है या फिर गलत करा है इसी को अपने रिसर्च में वो टेस्ट करते हैं सो तो याद रखेगा आपकी जो शोध परिकल्पना होती है शोध परिकल्पना एक संभावित प्रस्ताव होती है मतलब एक टेंटेटिव प्रपोजिशन होती है जिसका मतलब होता है कि जो शोधकर्ता होता है आपके रिसर्च में आपके शोध में वो कुछ समय के लिए कुछ मान लेता है कि हो सकता है कि जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हो सकता है कि अगर आप पानी ज्यादा दो तो हो सकता है उस पौधे की लंबाई भी बढ़ जाए ज्यादा बढ़ जाए सो so, ये एक टेंटेटिव प्रपोजिशन है ये एक संभावित प्रस्ताव है जिसे कुछ समय तक और कुछ समय के लिए शोधकर्ता ने मान लिया और इसी को शोधकर्ता अपने रिसर्च में टेस्ट करके देखेंगे कि ये सही है उनका जो अनुमान है ये सही है या फिर गलत है ओके, okay. देन हम जो ऑप्शन जो गलत ऑप्शन है उसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है थ्योरी थ्योरी क्या होता है जैसे हम सिद्धांत कहते हैं सो याद रखिएगा थियोरी और सिद्धांत क्या होता है जो पहले से ही साबित करे होते हैं ओके okay, मतलब थ्योरी ऑलरेडी प्रूव्ड होती है अगर कोई चीज ऑलरेडी प्रूव है तो उसको रिसर्च फिर से क्यों प्रूव करने जाएंगे ओके okay, मतलब जो ऑलरेडी प्रूव है उसको आपके शोध करता फिर से क्यों साबित करने लगेंगे ऑलरेडी प्रूव है तो उसको हम फिर से उस पर रिसर्च तो नहीं होगी फिर पे, फिर से उस पर शोध तो नहीं होगी जो ऑलरेडी साबित करा गया है सो so, यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है ये गलत हो जाएगा थियोरी आपका यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा विकल्प सी आपको गिवन है नमूना जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सैंपल so, नमूना क्या होता है आपका जो आपकी जो जनसंख्या होती है जनसंख्या में से आप कुछ लोगों को चुन लेते हो वो आपका नमूना बन जाते और नमूने पर ही आप शोध करते हो आप रिसर्च करते हो स्टडी करते हो आपका शोध का जो भी टॉपिक है उस पर आप रिसर्च करते हो आप उस पर शोध करते हो सो so, नमूना आप क्या करते हो पूरी जनसंख्या में से कुछ लोगों को चुन लेते हो वो आपका नमूना बन जाती है और उस पर आप शोध करते हो So, नमूना में आप मतलब एक संभावित प्रस्ताव नहीं करते हो कुछ देर के लिए कुछ मान नहीं सकते हो आप सैंपल में सो so, यहाँ पर आज आपका विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा सो so, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है एक टेंटेटिव प्रिपोजिशन होती है जिसे कुछ समय के लिए रिसर्चर मान लेते हैं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है और इसी स्टेटमेंट को इसी प्रपोजिशन को इसी संभावित प्रस्ताव को रिसर्च अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं इसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस सो और रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव प्रपोजिशन शोध परिकल्पना एक संभावित प्रस्ताव है so, आप, जो आपका विकल्प भी है ये सही हो जाएगा अगला प्रश्न यादृच्छिक प्रतिचयन में किस प्रकार का नमूना हो जिससे सैम्पलिंग फ्रेम से प्रत्येक आइटम के चुने जाने की संभावना समान हो वॉट टाइप ऑफ सैम्पल इन्वॉल्व सम फॉर्म ऑफ रैंडम सिलेक्शन सो दैट एवरी मेंबर ऑफ द सैम्पलिंग फ्रेम हैज एन इक्वल नॉन जीरो चांस ऑफ बींग इंक्लूड इन दैम्पल इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि अगर आपके जो ऐसे कौन से प्रकार के नमूना है ऐसा कौन सा प्रकार का नमूना है ऐसे कौन से टाइप का आपका सैंपल है जिसमें आपके जो जनसंख्या है जनसंख्या में से हर एक मेंबर के हर एक व्यक्ति के चुने जाने की संभावना समान हो मतलब आपके कौन से टाइप के सैंपल ऐसे हो जिसमें आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो और जिसमें हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो और नॉन जीरो चांस हो So, उस टाइप ऑफ नमूने को कहते हैं उस प्रकार के नमूने को कहते हैं संभावना नमूना जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपल तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका जो विकल्प A है ये सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प है जो कि है प्रोबेबिलिटी सैंपल तो प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या होता है जिसमें आपका जो शोध करता है वो आपकी जो जनसंख्या होती है मतलब आपकी जो पॉपुलेशन होती है उसमें से हर एक मेंबर को हर एक व्यक्ति को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं मतलब यहाँ पर हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने के हर एक मेंबर के चुने जाने की संभावना समान होती है यहाँ पर आपके जो शोध करता है वो आपका वो उनका अनुमान उनका जो जजमेंट है उनके जो कन्वीनियंस है उसको आगे रखकर उनके ओपिनियन को आगे रखकर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करते उनके अंदाजे को नहीं आगे रखेंगे वो उनके अनुमान को आगे रखकर नहीं सिलेक्ट करेंगे बल्कि हर एक मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे जिससे कि पॉपुलेशन में से मतलब जिससे कि आपकी जो जनसंख्या है जनसंख्या में से हर एक सदस्य के चुने जाने की संभावना समान होती है so, उससे हम कहते हैं संभावना नमूना जिसे हम प्रोबेबिलिटी सैंपल कहते हैं तो so, यहाँ पर आपका जो विकल्प फर्स्ट है विकल्प जो आपका पहला विकल्प है ये सही हो जाएगा देन अब हम जो बचे हुए ऑप्शन है जो बचे हुए विकल्प है जो इनकरेक्ट है उन्हें भी एक बार देख लेते हैं

सेकेंड विकल्प है जो आपका जो दूसरा विकल्प है यह गलत हो जाएगा देन थर्ड ऑप्शन जीरो बायस सैंपल जिसे हम कहते हैं शून्य पूर्वाग्रह नमूना तो so, यहाँ पर बायस तो कम होगा लेकिन ये जो आपको डेफिनेशन दी गई है इस क्वेश्चन में इस प्रश्न में आपको जो डेफिनेशन पूछ रही है ये आपके जीरो बायस की डेफिनेशन नहीं होगी तो so, यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है तीसरा विकल्प है ये भी गलत हो जाएगा अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल जिसे हम गैर संभावना नमूना भी कहते हैं ये क्या होती है जिसमें रिसर्चर अपने अंदाजे को अपने अनुमान को अपने जजमेंट अपने कन्वीनियंस को शोध करता आगे रखकर आपकी जो जनसंख्या होती है उनमें से सदस्य को सिलेक्ट करते तो यहाँ पर क्या होता है आपके जो पॉपुलेशन होती है मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है उसमें से कुछ कुछ मेंबर्स के चांस आता ही नहीं है यहाँ पर जो आपके जो पॉपुलेशन होती है मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है उसमें से कुछ मेंबर्स के कुछ सदस्य के चुने जाने की संभावना समान नहीं होती है सो so, इसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसे हम गैर संभावना नमूना भी कहते हैं सो so, यहाँ पर आपका जो विकल्प चौथा विकल्प है ये भी गलत हो जाएगा इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट विकल्प पहला विकल्प जो कि है संभावना नमूना प्रोबेबिलिटी सैंपल अगला प्रश्न विच वन इज नॉट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कौन सा आंकड़ों की ग्राफिक प्रस्तुति नहीं करता है इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि दिए गए ऑप्शन से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है उस डेटा को हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते उसको हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट नहीं कर सकते मतलब इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसे हम हमारे पास जो भी आंकड़े होंगे उस ऑप्शन में जो भी हमारे पास आंकड़े होंगे उस आंकड़ों को हम ग्राफिक प्रस्तुति नहीं दिखा सकते हैं नहीं कर सकते हैं ग्राफिकल वे में प्रेजेंट सो so, याद रखिएगा हिस्टोग्राम बार चार्ट एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो इन तीनों को भी हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं अब हिस्टोग्राम बार चार्ट और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये दिखते कैसे तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं सो so, ये है आपका हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है जिसमें जो बार्स प्रेजेंट होते हैं ग्राफ में एक दूसरे से होते हैं मिले हुए होते हैं जैसे कि आपको बस डायग्राम याद रखना है आपको मैटर नहीं देखना है बस आपको डायग्राम याद रखना है हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं एक दूसरे से मिले हुए थे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने एम्प्लॉयज एक कंपनी में काम कर रहे हैं और सैलरी उनकी सैलरी कितनी है थाउजेंड्स में हमें सैलरीज गिवन है अब जैसे कि इस डायग्राम से देखकर हमें यह पता चल रहा है ग्राफिकल वे में कि कितने लोगों की सैलरी कितनी हो सकती है जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हो 100 एम्प्लॉय तो जीरो से टेन थाउजेंड के बीच में कुछ आ, फिफ्टी एम्प्लॉयज की इनकम होंगे उसी तरीके से 300 सौ एम्प्लॉय ऐसे है जिनकी इनकम टेन से ट्वेंटी थाउजेंड के बीच में होंगे उसी तरीके से टू एट्टी मान लीजिए टू एट्टी ऐसे एम्प्लॉयज है जिनकी इनकम ट्वेंटी से थर्टी थाउजेंड के बीच में होंगी तो यहाँ पर आपको नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है नंबर्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल रही है कितने परसेंट लोगों की इतने लोगों की इनकम चार लोगों की इनकम इतनी हो सकती है थर्टी से फोर्टी थाउजेंड के बीच में लाई कर सकते हैं सो so, यहाँ पर हिस्टोग्राम में आप आपका जो डेटा होता है उसको ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से बार चार्ट चार्ट बार चार्थ कुछ इस तरीके से दिखता है सो so, इसमें याद रखिएगा बार चार्ट में जो आपके बार्स होते हैं एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते लेकिन हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होते मिले हुए होते हैं जैसे आप देख रहे हो दिस इज डायग्राम ऑफ बार चार्ट बार चार्ट में जैसे वाई एक्सिस पर हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवेन है और उनके फेवरेट कलर हमें गिवन है तो यहाँ पर एट चिल्ड्रन ऐसे जिनको रेड कलर पसंद है उसके बाद मान लीजिए और चिल्ड्रन ऐसे होंगे जिनको ब्लू कलर पसंद है फिर फोर पॉइंट फाइव ऐसे चिल्ड्रन होंगे जिनको ग्रीन कलर पसंद है फिर उसी तरीके से हमें सिक्स चिल्ड्रन ऐसे जिनको पिंक कलर पसंद है सो यहाँ पर भी आपको जो डेटा मिल रहा है आप ऐसा बोल सकते हो ऐसा भी आप कह सकते हो डेटा को एनालाइज का क्या एवरेज जो लोग है ज्यादातर जो बच्चे है ज्यादातर जो चिल्ड्रेन है उनको येलो कलर पसंद है सो so, हम ऐसा कर सकते हैं मतलब नंबर्स के फॉर्म में आपको ग्राफिकल वे में आप डेटे को रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफ के थ्रू उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ इस तरीके से दिखता है सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन याद रखिए हिस्टोग्राम की तरह ही होता है सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है हिस्टोग्राम ही होता है लेकिन उसमें जो आपका पॉइंट होते हैं आप उनको मिला देते जैसे हिस्टोग्राम में ये जो मिडिल पॉइंट होगा इसे मैं मिला दूंगी इस सारे मिडल्स पॉइंट को मैं मिला दूंगी तो ये आपका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन। उसी तरीके से इस ग्राफ में बताया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप बताते हैं कि कहा डेटा कितना कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है जैसे कि यहाँ पर हर एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया मिला दिया सो so, ये हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसा कुछ देखेंगे सो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है हिस्टोग्राम का ही जो पॉइंट होते हैं मिडिल पॉइंट को हम ज्वाइन करते जाते हैं और कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ दिखता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का तो so, हिस्टोग्राम बार छोटा

तो इस क्वेश्चन में हमें रिसर्च डिजाइन मतलब, की बेसिकली हमें डिजाइन की परिभाषा क्या होगी तो so, याद रखिए रिसर्च डिजाइन रिसर्च डिजाइन रिसर्चर्स कब रिसर्च डिजाइन स्टेप को फॉलो करते है तो so, याद रखिए स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आप पहले सबसे पहले क्या करते हैं आपका रिसर्च की प्रॉब्लम डिसाइड करते हो मतलब आपका जो रिसर्च है उसका क्वेश्चन आप डिसाइड करते हो सबसे फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप आपके रिसर्च को प्रॉब्लम डिसाइड करोगे किस स्टेप पे आपको रिसर्च परफॉर्म करना है देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में रिसर्चर जो शोध करता होते हैं ये आपकी उनकी रिसर्च डिजाइन डिसाइड करते हैं रिसर्च डिजाइन क्या होता है रिसर्च डिजाइन में बेसिकली जो रिसर्चर होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने रिसर्च को किस तरीके से परफॉर्म करने वाले अपने रिसर्च में वो क्या कौन कौन कौनसी चीजों को इंक्लूड करने वाले कैसे उस रिसर्च को वो परफॉर्म करेंगे जैसे रिसर्चर को किस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करना उनके कुछ भी प्रॉब्लम होंगे कुछ प्रॉब्लम है मतलब डिसीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होंगे उसके उस डिसीज के अगेंस्ट उन्हें ड्रग फॉर्म करना होगा तो ये यह रिसर्च यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले रिसर्चर ये डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ की पॉपुलेशन पर स्टडी करना है सो रिसर्च रिसर्च अपने डिजाइन में ये लिखेंगे कि इनको कहा की पॉपुलेशन पर स्टडी करना है किस पॉपुलेशन पर स्टडी करना है मैं मैं कौन सा एरिया करूंगा मैं किस एरिया को चुनूंगा स्टडी करने के लिए फिर उसके बाद किन किन लोगों को मैं अपनी स्टडी में इंक्लूड करूंगा फिर मैं किस तरीके से अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करूंगा फिर मैं किस तरीके से उनसे डेटा कलेक्ट करूंगा फिर मैं उस डेटा को किस तरीके से एनालाइज करूंगा Osionfish. तो ये जो सारे स्टेप है मतलब जो रिसर्चर करने वाले होते हैं अपने रिसर्च में जो आगे फ्यूचर में वो, वो जिस तरीके से अपने रिसर्च को परफॉर्म करते हैं ये सारा रिसर्च अपने रिसर्च डिजाइन में लिखते हैं सो so याद रखिए रिसर्च डिजाइन में बेसिकली जो रिसर्चर अपने शोधकर्ता जो है ये एक प्लानिंग करते हैं यहाँ पर इस स्टेज में सारी प्लानिंग होती है कि अपने रिसर्च को जो रिसर्चर है किस तरीके से परफॉर्म करने वाले है मतलब रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स कौन कौन से अः वो प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं किस तरीके से वो डेटा कलेक्ट करने वाले किस तरीके से वो डेटा को एनालाइज करने वाले ये सारी चीजें रिसर्चर अपने रिसर्च डिजाइन में बता देते हैं सो बेसिकली रिसर्च डिजाइन में हम आप कह है सकते हो कि रिसर्च डिजाइन में आपके जो शोध करते है प्लानिंग करते हैं और याद रखिएगा रिसर्च डिजाइन रिसर्च डिजाइन को हम ब्लू भी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च डिजाइन को ब्लू भी कहा जाता है

फॉर एवरी स्टेज ऑफ data, मतलब आप, आपके में हर एक चीज़ हर एक में किस तरीके से करने वाले कलेक्ट करने वालेलाइज करने वाले हो उसका आप फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हो फ्रेमवर्क मतलब उसको किस तरीके से करने वाले हो उसको आप बता देते हो आपके रिसर्च डिजाइन में मतलब आपके डेटा का जो संग्रह संग्रह है और विश्लेषण है हर चरण के लिए एक आप डिसाइड कर लेते हो आप बता देते हो हर चरण में मतलब हर स्टेज में आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो किस तरीके से आप आपके डेटा को करने करने वाले कि करने वाले किस तरीके से आपके अनुसंधान की में बताते हो। so, इस का विश्लेषण कलेक्ट आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी उसी तरीके जो से जो रिमेनिंग ऑप्शन से जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक एक बार देख लेते हैं ऑप्शन ए द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च मतलब यहाँ पर आप uh, चॉइस करते हो ये बता रहा है ये ऑप्शन कि आप रिसर्च डिजाइन में ये चॉइस करते हो कि आप अः क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स दोनों में से कौन से मेथड्स को यूज करेंगे मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक जो आपकी शोध होती है इन शोध में से आप कौन से शोध का आ, यूज करेंगे आप ये बताते हो नहीं ऐसा नहीं करते हो बल्कि आपकी रिसर्च की प्लानिंग करते हो तो यहाँ पर आपका विकल्प इनकरेक्ट हो जाएगा उसी तरीके से विकल्प सी द स्टाइल इन विच प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग एग्जाम्पल ग्राफ मतलब आपने आपके रिसर्च की और रिसर्च के जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं जो आपके परीक्षण है आपके जो रिजल्ट आ रहा है आपके शोध के उसके आप क्या करते हो उससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वे ग्राफिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हो यह बता रहा है हमें ऑप्शन सी नहीं रिसर्च डिजाइन में हम कोई अपने रिसर्च के फाइंडिंग्स मतलब रिसर्च के रिजल्ट को ग्राफिकल वे में नहीं बताते पर जो आपका विकल्प सी है प्रश्न का रॉन्ग उत्तर हो जाएगा गलत उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मतलब रिसर्च डिजाइन में सारी प्लानिंग कर लेते हो आप किस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे और एनालाइज करोगे सो ऑप्शन बी ही इज द राइट आंसर अगला प्रश्न निम्नलिखित घटकों के सही क्रम की पहचान करें जो अनुसंधान के परस्पर संबंधित है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स विच आर इंटर रिलेटेड इन रिसर्च सो इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि दिए गए पॉइंट्स जो हमें दिए गए हैं कुछ स्टेप्स दिए गए हैं रिसर्च के बेसिकली यहाँ पर हमें रिसर्च के स्टेप्स दिए गए हैं सो so, रिसर्च के इन स्टेप्स को हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब आपके जो शोध है शोध में हम जिस तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं सारे जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं वन बाय वन उन्हें हमें एक सही क्रम में अरेंज करना है सो so, याद रखिएगा जैसे हमें यहाँ पर पॉइंट्स में दिए ही इस सारे पॉइंट्स को हम एक एक कर इस देखेंगे और इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और पता लगेगा कि हमें किस प्रश्न में सही विकल्प दिया गया है जैसे यहाँ पर पॉइंट ए बता रहा है ऑब्जर्वेशन देन हाइपोथेसिस मेकिंग डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट रिड्यूसिंग दसिक्वेंस ऑफ थियोरीज मेथड्स ऑफ इम्प्लॉय टू अपने याद रखिए इन सारे स्टेप्स में आप पहले तो आपका टॉपिक होता है वो हमें गिवन नहीं है फिर उसके बाद आप क्या करते हो हाइपोथेसिस मेक करते हो सो हाइपोथेसिस मेकिंग मतलब परिकल्पना बनाने ही आपका पहला स्टेप हो जाएगा परिकल्पना क्या होता है कि आप गेस करते हो आपका जो भी टॉपिक है टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ गेस करोगे कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है सो so, आप यहाँ पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो हाइपोथेसिस बनाते हो हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप क्या करोगे उस हाइपोथेसिस को आप अम, हाइपोथेसिस बनाने के मतलब कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे उस हाइपोथेसिस से रिलेटेड जैसे हाइपोथेसिस आपने बना लिया कि हो सकता है कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो ये मैंने एक हाइपोथेसिस बना ली अब मैंने तो हाइपोथेसिस बना ली लेकिन मैंने जो हाइपोथेसिस बनाई है मैंने अपने जो मुझे नॉलेज है थोड़ी फील्ड में उसके बेसिस कि पर मैं हाइपोथेसिस बहुतिस डेवलप किया इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है तो सेकेंड स्टेप में हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं सो so यहाँ पर डेवलपिंग कॉन्सेप्ट अवधारणाओं का विकास सेकेंड स्टेप में आ जाएगा देन थर्ड स्टेप में आपने आपने डेवलप किया, कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट की रही फिर उसके बाद आप उसे ऑब्जर्व करोगे मतलब आप उसका अवलोकन करोगे उसे ऑब्जर्व करोगे आप उसे एनालाइज करोगे सो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये आपका थर्ड स्टेप आ जाएगा ऑब्जर्वेशन के बाद आप देखोगे कि आपने किस तरीके से आप थ्योरी ने थ्योरी को आपने डेवलप करोगे आप आपकी थ्योरी जो है उसको प्रूफ करने की कोशिश करोगे डिड्यूसिंग दी कॉन्सिक्वेंस ऑफ थ्योरीज थ्योरीज का बताओगे कि आपकी जो थ्योरीज है आप ऑब्जर्व करोगे और थ्योरीज आप, आप उसके बेसिस पर डेवलप करोगे मतलब मैंने यहाँ पर पहले ये देख लिया कि मैं देखूंगी कि ये रिलेशन बिटवीन में हो सकता है मेरी हाइपोथेसिस मैंने ऐसा बनाया था कि हो सकता है अगर मैं प्लांट को वाटर सॉरी वाटर को वा, प्लांट को वाटर ज्यादा दूंगी तो हो सकता है प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो तो इसके बेसिस पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करूंगी कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगी इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे हम कि किस बेसिस पर हमने ये हाइपोथिस लेड ऑन करा देन उसके बाद जो भी हमने कॉन्सेप्ट लिया है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे Observation के बाद हम theories को develop करेंगे। तो so, पर uh, आपका हो हो जाएगा। Then, fifth point हो जाएगा कि आप उसके बाद उसके मेथड्स बताओगे किस मेथड्स पे आपने ये थ्योरीज को ऑपटेन करा है किस मेथड्स पे आपने ये थ्योरी को जनरेट करा है बनाया है सो so, यहाँ पर आपका ये जो तो है फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ हो जाएगा सो so, इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा और इस प्रश्न का हमें जो सही ऑर्डर दिया गया है ये ऑप्शन ए में दिया गया है so, इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अगला प्रश्न इन ऑर्डर टू मेजर दर ऑफ दैल्यूज ऑफ आइटम्स इन which डेटा the ऑफ statistical मेथड इज used? निम्नलिखित संख्याओं के पदित में वस्तुओं को मूल्यों के बिखराव के मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बता रहा है आपने कुछ चीजों को मेजर किया उससे आपको कुछ वैल्यूज मिल रही कुछ डेटा मिल रहा है आपने कुछ आ, टेस्ट परफॉर्म किया आपने उस आपने उसमें से कुछ मिला आपको आपने कुछ डेटा मिला सो तो उस डेटा के आपको स्कैटर फाइंड आउट करना क्या वो डेटा कितना फैला हुआ है स्कैटर का मतलब होता है कितना वो डेटा जो है फैला हुआ है कितना वो डेटा जो है बिखरा हुआ है तो डेटा कितना बिखरा हुआ है उसको आपको मेजर करना है उसको आपको मापना है तो उसके लिए आप कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करोगे कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करोगे आप मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से आपने कुछ लोगों को चुन लिया जो कि आपका सैंपल बन गया सो तो आप मेजर कर रहे हो मान लीजिए आप पॉपुलेशन में से ये देख रहे हो कि कितने लोगों की इनकम यहाँ पर जो रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर सिटी में रहने वाले लोगों की इनकम कितनी है सो so, आपको मिल गया इस पर्टिकुलर सिटी में रहने वाले लोगों की इनकम हो सकता है फिफ्टी से नाइन्टी थाउजेंड के बीच में है सो so, आपको देखना है एवरेज लोगों की इनकम क्या होगी फिफ्टी से नाइन्टी थाउजेंड तो हमें मिल गई वैल्यू लेकिन एवरेज लोग कितने ज्यादा लोग कितने ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम कितनी होगी फिफ्टी से नाइनटी के बीच में ज्यादातर लोगों की इनकम कितनी होगी आपको मान लीजिए मीन किसी का फाइंड आउट करना है किसी का मीडियम फाइंड आउट करना है सो so, पर आपके अपने डेटा 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 ले लिया अब उस का आपको स्कैटर फाइंड आउट करना है कि कितना फैला कि कि हुआ है so, सो यहाँ पर मुझे सैंपल से कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई अब उस इन्फॉर्मेशन को मैं कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट करूंगी मैंने हर एक सैंपल में से हर एक पर्सन से इंफॉर्मेशन ले ली हर एक मेरे नमूनों में से हर एक व्यक्ति से मैंने इन्फॉर्मेशन लेकिन को मुझे जो भी मिला उस को मैंने कुछ इस तरीके से प्लॉट कर दिया अब मुझे देखना है ये डेटा कितना फैला हुआ है कितने लोगों की इनकम कितने कितने थाउजेंड के बीच में लाई करती कितने लोगों की इनकम टेन कितने लोगों की इनकम ट्वेंटी से थर्टी थर्टी के बीच में लाई करती है कितने लोगों की इनकम फोर्टी से फिफ्टी के बीच में लाइक कर रही है सो so, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये मेरा डेटा किस तरीके स्प्रे... किस तरीके से स्प्रेड आउट है कितना फैला हुआ है कितने लोगों की इनकम कितने uh, थाउजेंड के बीच में लाइक कर रही है। so, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कितना स्प्रेड आउट है कितना फैला हुआ है जब भी आपको कितना फैला हुआ स्कैटर ऐसा कुछ क्वेश्चन में वर्ड दिखता है सो याद रखिएगा आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करोगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है जिसमें आप कैलकुलेट करते हो स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिशन बताते हैं कि आपका डेटा मीन से कितना दूर है सो मेजर ऑफ डिसन के अंडर आते हैं आपके टर्म्स जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस वेरिएंस बताता है आपका डेटा कितना फैला हुआ है और स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है आपका डेटा मीन से कितना दूर है So, इसे हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताते हैं आपका डेटा कितना डिस्पर्ज है कितना स्कैटर है मतलब कितना बिखरा हुआ है सो so, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेजर ऑफ डिस्पर्जन नेक्स्ट रिसर्च इज असुट ऑफ ट्रस्ट विदेल्प ऑफ स्टडी ऑब्जर्वेशन कंपेरिजन एंड एक्सपेरिमेंट द सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सोलूशन टू अ प्रॉब्लम डिफाइंड बाय अनुसंधान अध्ययन अवलोकन तुलना और प्रयोग की मदद से विश्वास की खोज है किसी समस्या के के समाधान खोजने उद्देश्य और व्यवस्थित तरीके से ज्ञान की खोज द्वारा परिभाषित सो so, इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है हमें पता लगाना है कि ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन है किस साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन को लिखा था जैसे कि इस डेफिनेशन में बता रहा है रिसर्च जो है रिसर्च एक स्टडी uh, है और ट्रस्ट वर्दी स्टडी को हेल्प करने के लिए हम ट्रस्ट वर्दी स्टडी करने के लिए रिसर्च बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि रिसर्च जो होती है आपकी ट्रस्ट पर बेस्ड होती है उसी तरीके से आप यहाँ पर चीजों को ऑब्जर्व करते हो ऑब्जर्वेशन कंपैरिजन जैसे हम चरों को ऑब्जर्व करते वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके चीजों को टेस्ट करते हैं और नॉलेज को सर्च करते नई-नई नॉलेज फाइंड आउट करते हैं नॉलेज को रिसर्च अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए नॉलेज गेन करते हैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं और यहां पर सिस्टमैटिक मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं मतलब स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट किसी भी समस्या को हल निकालने के लिए किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम मेथड्स परफॉर्म करते हैं अपनी रिसर्च में सो so, ये सारी रिसर्च की डेफिनेशन ये एक रिसर्च की डेफिनेशन जिसमें रिसर्च के सारे इंपॉर्टेंट बातें जो जो हम रिसर्च में परफॉर्म करते हैं सो so ये साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन में लिखा है सो so, इस डेफिनेशन को आ, Kothari, इस साइंटिस्ट ने लिखा है तो ये साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट है इस डेफिनेशन को इन्होंने 2006 में लिखा था आपको याद रखना है 2006 में कोठारी नहीं है रिसर्च की डेफिनेशन लिखी थी बहुत फेमस साइंटिस्ट है इंडियन साइंटिस्ट है सो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आपको आते ही है एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के इस डेफिनेशन को किस साइंटिस्ट ने कहा था सो so, याद रखेगा इस डेफिनेशन इस डेफिनेशन को 2006 में कोठारी साइंटिस्ट ने कहा था और ये इंडियन साइंटिस्ट है सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंड आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो